आमिर खान की फिल्म दंगल में गीता फोगाट का किरदार निभाने वाली फातिमा सना शेख शाहरुख खान की काफी बड़ी फैन है। करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर फातिमा ने अपने करियर और फिल्मों पर खुलकर बात की। इस दौरान फातिमा ने शाहरुख से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया। फातिमा ने बताया कि दिवाली की पार्टी में उन्होंने एक पल के लिए शाहरुख को छुआ था, जो उनके लिए एक हसीन लम्हा है। इस बारे में फातिमा ने बताया, दिवाली की पार्टी में शाहरुख और आमिर एक साथ बैठे थे, तभी आमिर शाहरुख को दंगल की रेसलिंग प्रैक्टिस के कुछ वीडियोस दिखाने लगे। इस पर शाहरुख ने कुछ मजाक में कहा और मैंने जोर से हंसते हुए उन्हें छू लिया। मौका मिलते ही शाहरुख को एक पल के लिए छूना मेरे लिए यादगार पल था। करण के शो पर फातिमा ने बताया कि दंगल के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। फिलहाल फातिमा अपनी को स्टार सान्या मल्होत्रा के साथ आमिर के ऑफिस में इंटर्नशिप कर रही हैं। इस पर फातिमा ने कहा, जब आप इंडस्ट्री में नए होते हैं तो आपके पास कई ऑप्शन नहीं होते, आपको ज्यादा ऑफर नहीं मिलते, लेकिन मैं लकी हूँ जो मैंने इतनी बड़ी फिल्म का ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई। फातिमा ने बताया कि दंगल के लिए सिलेक्ट होने से पहले वो कई ऑडिशन से बाहर हो चुकी थी। इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, कुछ ही दिनों में मुझे समझ में आ गया कि चाहे आप जितना भी फिट हो, जब तक आपका फोकस नहीं होगा आप इसे नहीं कर पाएंगे। मैं दंगल से पहले कई ऑडिशन में रिजेक्ट हो चुकी थी, इन सब चीजों ने मुझे और मजबूत बना दिया।